परिचय। आज विभा और उसका परिवार एक नए घर में रहने जा रहे हैं। वह देखती है कि उसके माता पिता को एक संदूक को शयन कक्ष तक ले जाने में बहुत मेहनत करनी पड़ी है। बैठक वाले कमरे में वो देखती है कि उसके चाचा एक बड़े टेलीविजन को बड़ी आसानी से ले जाते हैं। उसके अंकल ने उसे बताया कि वो ऐसा इसलिए कर सके क्योंकि टेलीविजन के नीचे पहिए लगे हुए हैं। विभा आश्चर्यचकित हुई कि इतने छोटे पहिए भी इतनी अधिक सहायता कर सकते हैं। इस अध्याय में आप पहिए की कहानी के बारे में जानेंगे। आओ सीखें पहिए के महत्व का वर्णन करना। पहिए के आविष्कार का वर्णन करना। हर जगह पहिए, सड़कों तथा पटरियों पर चलने वाले सभी वाहनों जैसे साइकिल, स्कूटर, कार, बस, ट्रक तथा रेलगाड़ी आदि में पहिए होते हैं। यहां तक कि हवाई जहाजों में भी पहिए होते हैं। पहिए गोल होते हैं, पहिए गोलाकार होते हैं। अपनी आकृति की वजह से ही ये आराम से घूमते हैं। आओ खेलें। उन वस्तुओं पर क्लिक करें जो कि घूम सकती हैं। वाहनों में पहिए। कुछ वाहनों जैसे कि स्कूटर, मोटरसाइकिल आदि में छोटे पहिए होते हैं, जबकि कुछ अन्य जैसे कि बस, ट्रक आदि में बड़े पहिए होते हैं। कुछ वाहनों में दो पहिए, जबकि कई अन्य वाहनों में चार पहिए होते हैं। पहियों की संख्या व आकार वाहन के आकार पर निर्भर करते हैं। आओ पहियों के बारे में और अधिक जानते हैं। पहिए की कहानी। बहुत समय पहले यातायात का कोई साधन नहीं था। मनुष्य पैदल चलकर ही दूरी तय किया करते थे। वो सामान को अपनी पीठ पर या अपने घरेलू जानवरों जैसे गधे, भैंसों आदि की पीठ पर लाद कर चलते थे। लेकिन लंबी दूरी होने पर उन्हें ऐसा करने में बहुत परेशानी होती थी। एक दिन काम करते समय एक आदमी ने लकड़ी के लट्ठे को लुढ़का दिया। उसकी आकृति गोल होने के कारण ही वो आसानी से ऐसा कर पाया था। फिर उसने एक पेड़ के तने को दो गोल भागों में काटकर तथा उन दोनों को जोड़कर एक गाड़ी बनाई, लेकिन दोनों भागों में अंतर होने के कारण बैलगाड़ी नहीं चल पाई। उसके बाद उसने दो गोल तथा समान भागों का प्रयोग किया, जिससे बैलगाड़ी चलने लगी। इस प्रकार से पहिए की खोज हुई थी। पहिए में सुधार। समय बीतने के साथ साथ पहियों में भी सुधार हुआ। पुराने दिनों में प्रयोग होने वाले लकड़ी से बने पहियों के स्थान पर अब स्टील, रबर और लोहे से बने पहिए प्रयोग किए जाते हैं। पहिए के उपयोग। पहिए हमारे लिए अनेक प्रकार से उपयोगी हैं। पहियों के द्वारा वाहन चलते हैं। खिलौनों में पहिए लगे होते हैं, इसीलिए वो चल पाते हैं। पहिए वाली कुर्सी से एक बीमार व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। आओ खेलें। उस वस्तु पर क्लिक करें जिसे पहियों द्वारा चलाया नहीं जा सकता है। हमने क्या चर्चा की? कारों, बसों, रेलगाड़ियों तथा हवाई जहाजों में पहिए लगे होते हैं। वे
गोलाकार होते हैं। पहिए गोलाकार होने के कारण ही आसानी से घूम सकते हैं।